राम राम भाई सारे सत श्री अकाल ले लो राम राम ले लो सारे एक नारा मारूंगा पहले तो भाई जितने भी बात सुन रहे हैं इस मंच के द्वारा जितने भी भाई बैठे हैं वह एक बार नारा मार लियो क्योंकि जब भी मैं कहीं बोलता हूँ बोलने का मौका मिलता है तो पहले मैं ये देखता हूँ कि वो लोग मेरी बात सुन रहे हैं जो भी वक्ता वहां पर बोल रहा है क्या वो प्रेजेंस है मौके पर एक नारा मारूंगा जोर लगाकर नारा मार दियो गड़ा तो थोड़ा मेरा बैठ गया क्योंकि दो तीन दिन जब आंदोलन ढीला हो गया तो जमीन पर काम करना पड़ गया था टूल प्लाजा पर जाना पड़ गया था तरह स्थल पर जाना पड़ गया था लोगों के भीतर जोश पैदा करने का काम करना पड़ गया। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा हर जोर जुलम की टक्कर से साथियों मेरे किसान भाइयों पिता तुल्य बुजुर्गों युवा नौजवान साथियों माताओं बहनों आंदोलन दो दिन पहले डामाडोल स्थिति में चला गया था। भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया था कि आज आंदोलन का क्या होगा। जो मेरे भाई 26 तारीख के बाद भी यहाँ पर रुके हुए थे उनकी भी आंखों में आंसू आए थे और देख रहे थे कि कैसे सरकार नीचता करके आंदोलन को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन साथियों परसों रात जब राकेश टिकैत जी का वीडियो लोगों ने देखना शुरू किया और गोदी मीडिया ने जो वीडियो दिखाया लोगों को कि लोग भय के अंदर आकर के राकेश टिकैत जी के आंसू देख करके अपने अपने घर वापसी कर जाएंगे। लेकिन गोदी मीडिया का मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने राकेश टिकैत जी की वीडियो मेरे किसान भाइयों के पास पहुंचाने का काम किया और रातों रात लाखों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर चढ़ाई कर गया। आज सरकार ने नेट बंद कर दिए हैं भाई। नेट क्यों बंद किए हैं कि लोगों को डराया जाए धमकाया जाए। हम घर से चले थे तो एक बात कह करके चले थे भाई अगर हमारा कुछ हो जाए तो अगर पीछे सहम लियो। जितने भी भाई हरियाणा से पहले आए थे पहले तो सिर्फ देखने आए कर थे आगे पीछे घूम फिर का मौज लेकर बच्चे कर रहे थे पर आज हम कफन बांध कर आए हैं या तो जीत कर जाएंगे या फिर तिरंगे में लिपट कर जाएंगे पीछे नहीं हटते। पंजाब जितने भी मेरे पंजाब के किसान भाई अब तक आंदोलन में अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे थे मैं सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज से ही आप घूमना फिरना शुरू कर दो जैसे हरियाणा घूमना फिरना शुरू कर रहा था। आज हम लड़ाई लड़ने के लिए असली लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों के ऊपर आ चुके हैं सिंगू बॉर्डर के ऊपर टिकरी बॉर्डर के ऊपर गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर हरियाणा का बच्चा बच्चा औरत बहन भाई हर एक सड़कों के ऊपर आ चुका है और अपनी बलि देने के लिए तैयार है बलिदान देने के लिए तैयार है। आज लड़कर के वापिस जाएंगे जीत करके वापिस जाएंगे या तो बलिदान देकर जाएंगे या फिर जीत करके काले कानून वापिस करा कर जाएंगे। आज हम लड़ने के मूड में आए हैं शांतिपूर्ण रूप से मैं भी हरियाणा वाले जितने मेरे भाई है क्योंकि हमेशा पंजाब बड़ा भाई है हरियाणा छोटा भाई है ईब तो फ्लोना थोड़ा एक दो मिनट फालतू ले लो तो माफ भी दे दियो एक दो सेकंड फालतू ले लो तो पंजाब बड़ा भाई है हरियाणा छोटा भाई है। एक बात तो बता दूं आप सभी ने पता छोटा भाई हमेशा गुस्से में होगा और ज्यादा उड़दंग मचाने वाला होगा तो मेरे हरियाणा के भाई मैं सिर्फ एक अपील करूंगा भाई शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन जारी रखियो। आज आपकी पगड़ी पर आ चाहिए आज आपके इज्जत पर आ चाहिए हम घर वापसी कैसे कर देंगे। इन्होंने हमारी कमर के ऊपर हमारी छाती के ऊपर गद्दारी का टैग लगाने की कोशिश की है। आज साथियों ये देश के गद्दार आरएसएस और बीजेपी के दलाल हमें गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों इस मंच के द्वारा एक बात आपको बता देना चाहता हूँ 1947 के अंदर भारत को आजाद कराने का काम
इसी हरियाणा पंजाब के किसान पुत्रों ने किया था। आज ये लोग हमें आजादी की और देशभक्ति की बात सिखाते हैं। हमारे भाई सबसे ज्यादा हरियाणा पंजाब के भाई बॉर्डर के ऊपर अपना बलिदान देते हैं, छाती के ऊपर गोलियां खाने का काम करते हैं। जब देश आजाद कराया था आरएसएस के एक भी दलाल ने कुर्बानी नहीं दी थी, केवल हरियाणा पंजाब के सिख भाइयों ने हिंदू भाइयों ने कुर्बानी देने का काम किया था। मेरे पंजाब के भाइयों और सिंह डिल्ला मूड़ा करो पूरा हरियाणा बच्चा बच्चा लीड दिया, या तो मर के जाओगे या फिर जीत के जाओगे। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा लड़ेंगे जीतेंगे।